प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज हम लोग एसएससी और रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतियोगी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाने की जरूरत होती है। आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में भी भारत यदि खेलता है किसी दूसरे देश के साथ, तो एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक प्लानिंग करता है कि कैसे मुझे दूसरे विरोधी टीम के कमजोर पक्षों को जानना है। कौन सा बैट्समैन स्पिन को नहीं खेल पाता तो उसके समय स्पिनर लगाना है, कौन सा बैट्समैन फास्ट बॉल को नहीं खेल पाता है तो उस समय फास्ट बॉल को लगाना है, कौन सा बैट्समैन ऑफ साइड में ज्यादा मारता है तो उस समय ऑफ साइड को पैक कर देना है। ठीक उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी हमें उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी रणनीति तैयार करनी पड़ती है जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। छात्रगण, आज मैं आप लोगों को एसएससी और रेलवे के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। छात्रगण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी के दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक एलडीसी का एग्जामिनेशन जिसे लोअर डिविजनल क्लर्क कहा जाता है, दूसरा यूडीसी का जिसे स्नातक स्तरीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है कंबाइंड लेवल जिसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, ये दोनों तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। छात्रगण, इन दोनों तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको अपने चार पिलर को मजबूत रखना होगा, चार स्तंभों को मजबूत रखना होगा। वो चार स्तंभ क्या क्या हैं, इन्हें आप ध्यान दें। पहला स्तंभ है जीएस, जनरल स्टडीज, जिसे कि आप सामान्य अध्ययन के नाम से भी जानते हैं, जनरल स्टडीज ध्यान देंगे। दूसरा स्तंभ है मैथ्स, तीसरा स्तंभ है रीजनिंग, और चौथा स्तंभ है इंग्लिश। छात्रगण ध्यान देंगे, इन चारों पिलर को यदि आपने मजबूत नहीं रखा तो फिर वही स्थिति होगी जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में हम पराजित हो गए थे। हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लगातार आउट होते चले गए और हम मैच में पराजित हो गए। तो यही चीज है, इन चारों पिलर को आपको मजबूत रखना होगा। आपका मैथ्स भी मजबूत होना चाहिए, आपका रीजनिंग भी मजबूत होना चाहिए, आपका इंग्लिश भी मजबूत होना चाहिए, आपका जीएस भी मजबूत होना चाहिए। आप इन सब चीजों को बैलेंस करके रखेंगे, आप सबों के बीच में तात्म्यता और तालमेल बना करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। मान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जीएस बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग भी आपका अच्छा है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश कमजोर है, ऐसे में आपकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए आपको सभी विषयों को समान महत्व देना है, सभी विषयों पर अपने आप को कंसंट्रेट करना है। इस चीज को छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। दूसरी चीज को आपको जो ध्यान देना होगा कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आदमी सारे सवालों को बना सकता है, लेकिन क्या होता है, समय कम हो जाता है। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत होती है कि मुझे समय नहीं मिला, मेरा मैथ्स का क्वेश्चन छूट गया, मेरे रीजनिंग का क्वेश्चन छूट गया, मुझे इंग्लिश का क्वेश्चन छूट गया, मैं जीएस को कवर नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट करें, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं। वो टेक्निक क्या है, सो समझिएगा। वो टेक्निक ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आप सबसे कठिन विषय के प्रश्न को हल करें, जैसे मैथ्स है, उसको हल करने की कोशिश करें। मैथ्स के क्वेश्चन जब सब हल हो जाएं, उसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करें, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन को हल करें, और सबसे अंत में जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। यह स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी और मील का पत्थर साबित होगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसलिए क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के द्वारा आप जीत हासिल कर सकते हैं, फतह हासिल कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको इसमें, सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसे आपने मैट्रिक में, इंटर में, जिनका ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स था, आप लोगों ने बनाया हुआ है। आपका मैथ्स का कंसेप्ट भी क्लियर है। आपको मैथ्स बनाने के लिए दिया जाए तो उसको आप कंसेप्ट बेस से भी बनाएंगे या ट्रिकी अंदाज में भी बनाएंगे, तो ट्रिकी अंदाज में समय कम लगेगा लेकिन कंसेप्ट बेस में समय ज्यादा लगेगा। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से मैट्रिक में जानते थे, इंटर में जानते थे, तो आप मैथ्स को सॉल्व करोगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैथ्स विषय को पहले समय देना है, ज्यादा समय उसमें लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा बैलेंस करके वहां पे चलना है। उसके बाद रीजनिंग विषय पर आपको आना है, रीजनिंग विषय को आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे हैं तो रीजनिंग विषय में भी आपको थोड़ा सा समय लगता है, माइंड का खेला है,
टेक्निक का खेला है, आपने लगाया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, समय थोड़ा सा लिए ज्यादा लेगा। अंग्रेजी विषय के साथ क्या दिक्कत है कि आप जानोगे तभी आपसे बनेगा, सिनोनियम्स हुआ, एंटोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब चीजों को आप जान रहे हैं आपको धकाधक बन जाएगा, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं आएगी, कोई बहुत ज्यादा समय ये नहीं लेता है। जीएस विषय के साथ क्या है कि ये कम समय में बनाया जा सकता है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। जीएस में क्या है कि जीएस में आपको समय कम लगेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो तभी आप अटेम्प्ट ले पाओगे, आप नहीं जानोगे तो आप अटेम्प्ट ले ही नहीं पाओगे, ये जीएस विषय का एक खासियत होता है, ये जीएस विषय के लिए एक जो है सबसे अच्छा समय होता है कि जीएस विषय को आप मुश्किल से, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को अगर 25 क्वेश्चन भी हैं तो 10 मिनट के अंदर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जनरल स्टडीज के पेपर को सबसे लास्ट में बनाएं, मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को शुरुआती दौर में हल करें, शुरुआती दौर में ऐसे प्रश्नों को बनाएं जिनका जवाब आप 100% जानते हैं, सेकंड दौर में ऐसे प्रश्नों को बनाएं जहां पे 50-50 आपको लगता है, और अंतिम दौर में ऐसे प्रश्नों को टच करें जिसका जवाब आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां पर खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। यह स्ट्रेटेजी यदि आप अपना करके चलते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा और आपके सफलता की गुंजाइश भी बढ़ेगी, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, एसएससी के एग्जामिनेशंस जो कि ग्रेजुएट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के आधार पर जो होते हैं, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको इन चारों पिलर जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर पूरा कंसंट्रेशन करना होगा। आपको लगता है कि इनमें कोई भी पिलर आपका कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर है, तो आप अंग्रेजी को मजबूत कीजिए, रोज वर्ड का एक ले लीजिए लिस्ट कि नहीं आज मुझे जब तक 20 वर्ड याद नहीं करना है सिनोनियम्स एंटोनियम्स, तब तक मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा, तब तक मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूंगा, जब तक मैं याद नहीं करूंगा मैं रात्रि का भोजन नहीं कर लूंगा, ऐसा संकल्प ले लीजिए और तभी आप देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। जब तक संकल्प शक्ति और दृढ़ शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलती है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी विषय आपका कमजोर है, मैथ्स किसी का कमजोर होता है, किसी का रीजनिंग कमजोर होता है, किसी का जीएस कमजोर होता है, आप इसको मजबूत करने के लिए हर तरीके से जो है कोशिश करें और इसमें हम लोग भी आपके लिए हर तरीके से सहायता करेंगे। ये प्रबंधन की नीति आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, एसएससी के पश्चात हम लोग आते हैं रेलवे। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नियोक्ता वाली संस्थान है, सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी रेलवे विभाग में ही कार्यरत है। एक प्रश्न भी आपका यह तैयार हो गया कंपटीशन लेवल का कि भारत के किस विभाग में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, तो रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। इसलिए छात्रगण, रेलवे में वैकेंसी की कभी भी कोई कमी नहीं होती है, वैकेंसी हमेशा आती जाती है, नई ट्रेनें चलेंगी ही, नई पटरियां बिछेंगे ही, नए स्टेशन बनेंगे ही, और जब जब नई पटरियां बिछेंगी, नए स्टेशन बनेंगे, नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, और तो नए नए वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो आरपीएफ की वैकेंसी हो, एएसएम की वैकेंसी हो, गुड्स गार्ड की वैकेंसी हो, ग्रुप डी की वैकेंसी हो, हर वैकेंसी कॉमर्शियल क्लर्क की वैकेंसी हो, टीसी की हो, टीटी की हो, हर वैकेंसी रेलवे में हमेशा आती रहती है। इसलिए रेलवे की तैयारी करना भी एक बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनके लिए एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि वो टेक्निकल फील्ड के क्षेत्र में जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं, और रेलवे के जितने भी टेक्निकल फील्ड के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर जो आईटीआई किए हुए बच्चे होते हैं वही उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जनरल बच्चे नहीं दे सकते, तो यहां क्या होगा आपको प्रतियोगिता कम मिलेगी, सफलता की गुंजाइश यहां पे ज्यादा होगी। लेकिन आपको अपने टेक्निकल फील्ड पर कमांड रखना होगा क्योंकि टेक्निकल फील्ड से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। रेलवे के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमे। रेलवे में जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों कि तीन चीजों से सवाल पूछे जाते हैं रेलवे में, मुख्य रूप से जीएस, मैथ्स डिजनी। छतगण, रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं पुरजोर आह्वान करना चाहूंगा कि वो जीएस पर अपना कमांड रखें। जीएस पर जितना ज्यादा आप कमांड रखेंगे उतनी आपकी सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएस से रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो मैंने यहां तक देखा है, कई रेलवे बोर्ड के क्वेश्चंस को आप उठा करके देखिएगा तो जीएस से 60-70% क्वेश्चन केवल जीएस से पूछे जाते हैं।
कई कई जगह 70-80% क्वेश्चन भी जीएस से पूछे गए हैं। कहा जाता है जैसा देवता वैसा पूजा, जिस प्रकार से क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं आपको तैयारी भी उसी दिशा में करनी चाहिए। आप रेलवे का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो आपको हमेशा यह देखने को मिलेगा कि जीएस में हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, करंट अफेयर्स से सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेलवे में एक पार्ट होता है जीके का जिसको आपको कमांड रखना होगा, और ये पार्ट जो है वो जनरल नॉलेज कहलाता है। जीके क्या है छात्रगण, इसे ध्यान देंगे। रेलवे के क्वेश्चंस बैंक को आप जब देखिएगा तो जीके के क्वेश्चंस आपको काफी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। विभिन्न शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, है ना, आपसे पूछ देगा। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको हुगली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सारे चीज जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब तैयार रखना होगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण दिन और दिवस जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, चाहे वह हम लोग 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाते हों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। छात्रगण यही चीज आप लोगों पर भी लागू होता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के झंडे नहीं गाड़ देते हो, सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हो। ये आपका भी ये संदेश वाक्य आपको करना होगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं छात्रगण, और उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, बलिदान दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, महात्मा गांधी के शहादत दिवस को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फरवरी माह में 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। मार्च माह में देखते होंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अप्रैल माह में आप देखते होंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, मई में आप देखते होंगे कि आप मई माह में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है, जून माह में आप देखते होंगे कि 30 जून को हूल दिवस है, संथाल दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जुलाई माह में आप देखते होंगे 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जुलाई माह में जो है हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। छठगण अगस्त माह में आप देखते होंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है। हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में छात्रगण मनाते हैं। ये अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस है। अगर हम लोग सितंबर में चलते हैं तो 5 सितंबर को आप लोग अपने गुरुओं के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हैं और उस दिन शिक्षक दिवस मना करके हम लोगों को सम्मानित करते हैं, हम लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं, हम लोग उस दिन प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाते हैं कि हमें ऐसे शिष्य मिले हैं। छठगण सितंबर माह में ही आप यदि देखें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर माह में यदि हम लोग देख लें तो अक्टूबर माह में भी आप देखते होंगे कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छठगण नवंबर माह में यदि हम लोग आ जाएं तो हम लोग नवंबर माह में भी कई महत्वपूर्ण दिवस है, 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। दिसंबर माह में यदि हम आए तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, दिव्यांग दिवस जिसको कहा जाता है, साथ ही साथ 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी कांड, जहां मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकली थी, वो भोपाल में बहुत जघन्य गैस दुर्घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड कारखाने से, जो कि अमेरिका की कंपनी थी, वहां से निकला था। छठगण 3 दिसंबर को ही हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाते हैं। दिसंबर माह में ही 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको एक ब्रीफ दिया कि महत्वपूर्ण दिन और दिवस से क्वेश्चंस कहां कहां पूछे जाते हैं। एसएससी में भी आएंगे, रेलवे में भी आएंगे, बैंकिंग में भी आएंगे, जेपीएससी, यूपीएससी और इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें दिन और दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको रेलवे की तैयारी करने वालों को जीके पर विशेष कमांड करना होगा। विभिन्न देश और उनके संसद के क्या नाम है, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है, किस देश की संसद को क्या कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब चीजें रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत हिट है, पके हुए आम की तरह ये सब क्वेश्चंस गिरते हैं। सुपर डुपर हिट सिनेमा के जिस प्रकार से आप पसंद करते हैं, वैसे एग्जामिनर का भी यह
पसंदीदा सवाल होता है और वैसे बार बार पूछता है, इसलिए आपको इसकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, इसकी प्लानिंग करनी होगी। और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं कहूंगा कि जीके पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे, जीके पर आप विशेष थोड़ा सा ध्यान देंगे, साथ ही साथ विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल क्या हैं, विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन हैं, किन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब चीजों को छात्रगण आपको ध्यान में देना होगा। किस देश की मुद्रा का क्या नाम है, किस देश की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है, किस देश की गुप्तचर संस्था जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ देगा ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ देगा रॉ, जो कि आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी एक था टाइगर, जिसमें सलमान खान रॉ का एजेंट था, कैटरीना कैफ ISI के एजेंट थी। छात्रगण ये कभी ना भूलें कि सिनेमा हमें केवल भटकाता है, सिनेमा से भी हमें ज्ञान प्राप्त होती है, सिनेमा से भी कॉम्पिटिशन का एग्जामिशन का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, बसरते आप सिनेमा को ध्यान से देखें। अब आपका ध्यान सलमान खान और कैटरीना कैफ पर केवल रहेगा तो फिर आप सिनेमा से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, लेकिन वहीं आपका ध्यान रहेगा कि नहीं, अरे एक था टाइगर में सलमान खान को दिखा रहा है कि रॉ का एजेंट था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एजेंट था, वो भारत की गुप्तचर संस्था का नाम है। सवाल आपको प्रतियोगिता परीक्षा में रेलवे में पूछ देगा कि रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है, आपको तुरंत लगाना होगा भारत। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वहीं आप एक था टाइगर पिक्चर को ध्यान में रखते कि सलमान खान उसी का एजेंट था तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। ISI में ISI जो कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम है, ये सवाल भी कई बार रेलवे SSC और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसलिए छात्रगण प्लानिंग करें, तैयारी करें, पढ़ना अलग बात है, लोग घंटों पढ़ते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। सही दिशा में सफलता और सही दिशा में मेहनत ही आपको सफलता का द्वार तय करता है। छात्रगण ये आज इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं पुनः आपको दोहराना चाहूंगा कि रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, वह GS पर विशेष कमांड रखें, मैथ्स रीजनिंग को भी बहुत जबरदस्त रूप से महत्व दें और मैथ्स रीजनिंग के लिए भी अपनी तैयारी को आयाम दें और हमेशा कोशिश करें कि समय प्रबंधन हर एग्जामिनेशन में सफलता दिलाती है। कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल करना ये आपके लिए बहुत ही सुखदायक होता है। उसके लिए आप क्या करें, घर पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बनाएं, अलार्म वॉच लगा लें, अलार्म वॉच लगा करके देखें कि आपने कितनी देर में कितने क्वेश्चंस बनाए, कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कौन सा विषय आपका ज्यादा समय लग रहा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कम समय में कैसे ज्यादा प्रश्नों को बनाना है, ये सब चीजों को जिस दिन आप चेकआउट कर लीजिएगा उस दिन आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। मैं इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इस चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो SSC और रेलवे के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, वो प्लानिंग जो होगी, वो कमोबेश एक जैसी होगी, केवल एक अंतर को छोड़कर कि इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वह SSC में पूछे जाते हैं, जबकि इंग्लिश जो है ये रेलवे में यहां पर नहीं रहता है। यहां पर आपको GS, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करके ही आप रेलवे के एग्जामिशन को फतह हासिल कर सकते हैं और रेलवे के एग्जामिशन में अपने आप को तैयारी के एक नए आयाम की ओर ले जा सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। छात्रगण, SSC और रेलवे में प्रत्येक साल वैकेंसी लाखों लाख की संख्या में आती है। थोड़ी सी मेहनत, साल भर 6 महीने जम के आपने मेहनत कर दी, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर दी, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कई तरह की समस्याएं प्रतियोगी विद्यार्थियों को आती है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमको याद नहीं होता है, याद करने में दिक्कत होता है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं। नहीं, आपकी यह सोच बदलनी होगी। आपको आप सिनेमा का दृश्य देखते हैं, फिल्म हॉल में आप जब आप देखते हैं, एक एक सीन आपको याद रहता है। उस समय यदि कोई सामने आ जाता है सिनेमा हॉल में, तो आप उसको तुरंत हटाने लगते हैं कि हटो हटो हटो, सामने से हटो। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, आप उसमें आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो चीज आपका कैरियर बनाने जा रही है, जो आपको एक नई दिशा और दशा देने जा रही है, जो 60 साल 62 साल 65 साल तक आपके जिंदगी में ऐशो आराम, ग्लैमर, पावर, ताकत, सम्मान दिलाने जा रही है, उस चीज पर यदि आप कंसंट्रेट कर देंगे तो आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप सोच लीजिए। इसलिए छात्रगण, एकाग्रता के साथ पढ़िए। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का सबसे अच्छा समय कहा जाता है कि सुबह के आवर में, यानी कि ब्रह्म बेला में, जब सरस्वती खुद विचरण करती है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय यदि आपने किसी चीज को याद किया तो उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय याद की गई चीजों को लोग ताउम्र नहीं भूलते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप जाती है। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि याद करने का जो भी चीज है वो मैं सुबह सुबह उठ करके करूंगा, ब्रह्म बेला में करूंगा, अर्ली इन द मॉर्निंग करूंगा। इसका क्या फायदा है, आप दिन भर की थकावट आपकी रहती है, रात को जब आप दिन भर के कॉलेज, कोचिंग,
अदर एक्टिविटीज में आप उलझे हुए रहते हैं, कई तरह के तनाव आपके दिमाग में रहते हैं। रात को जब आप सोचेंगे कि मैं अब पढ़ने जाऊं, किसी चीज को याद करने जाऊं, तो उस समय क्या होता है कि आपका माइंड भरा रहता है। छतगन, आपका पेट यदि यहां तक भरा हुआ है और उसके बाद आपको कोई कहे कि देखो मैंने बादाम का हलवा बनाया है, लो इसको खा लो, तो थोड़ा सा ही और खा लो, आप कहिएगा नहीं, हाथ जोड़ दीजिएगा कि नहीं, यहां तक भरा हुआ है, आप खाएंगे तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ, आप संतुष्ट हैं, आप तृप्त हैं, इसलिए आप नहीं खा सकते हैं। जिस प्रकार आपके मोबाइल में मेमोरी जब फुल हो जाती है तो वहां पर आपका कोई मैसेज नहीं आता है, बताने लगता है मेमोरी फुल। उसी प्रकार से हमारा माइंड भी है। जब दिन भर हम लोग थक जाते हैं, दिन भर के एक्टिविटीज के कारण हमारा माइंड थक जाता है, तो रात को जब हम लोग किसी चीज को याद करने के लिए जाते हैं तो माइंड हमारा कह देता है मेमोरी फुल, अब कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको नींद आने लगती है। अब जरूर शाहजहां जो है चैप्टर खोल करके इतिहास के पन्नों में जरूर झांकेंगे, लेकिन नींद और सपने इतने अच्छे आएंगे कि अपने सपने में मुमताज महल और नूरजहां ही आने लगेगी। इसलिए प्यारे पतियों के विद्यार्थियों, जब भी याद करने की कोशिश कीजिए तो सुबह उठ करके कीजिए। सुबह का समय मैं आपको बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, क्यों मैं आपको दबाव बना रहा हूं, क्यों मैं आपको बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि सुबह का समय ही याद करने के लिए बेहतर होता है, उसके पीछे कारण है। सुबह में जब ब्रह्म बेला में हम लोग उठते हैं तो उस समय हमारा माइंड बिल्कुल खाली होता है। रात भर सो जाने से हमारा शरीर की थकावट तो दूर होती है, मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारा मन रूपी कैसेट बिल्कुल खाली हो जाता है। जब कैसेट खाली है, जब मेमोरी जो है मोबाइल का पूरा खाली है, पेट आपका जब पूरा खाली है, तो उसमें जो भी आप डाल दीजिए वो ग्रहण कर लेगा। उस समय आप जो भी चीजें याद कीजिएगा वो आपको याद हो जाएगी। याद करने का दूसरा तरीका क्या है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों? बोल बोल करके याद कीजिए, बोल बोल करके दोहराइए, बोल बोल करके याद कीजिए, फिर आंख बंद करके उसको दोहराइए, बोल करके याद कीजिए, फिर आंख बंद करके दोहराइए, देखिए निश्चित तौर पर याद होगा। याद करके लिखिए, किताब से आप यदि पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, यह भी तरीका बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात क्या है कि आपके घर में यदि कोई भी छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, तो आप याद करके उनको नोट्स कॉपी दे दीजिए और फिर उनको सुनाइए, सुन करके फिर उसको लिखिए, है ना। और कहीं कुछ गलती हो जाए, आपको सामने वाला जिनको आप सुना रहे हैं वो टोके कि हाँ यहाँ तुमने गलत कहा, फिर वहीं पे रोक दीजिए, फिर से चीजों को याद कीजिए और फिर से उस चीजों को सुनाइए। ये प्रक्रिया यदि आप करते रहेंगे कि याद करके मुझे लिखना है, याद करके सुनाना है, बोल बोल करके याद करना है, याद करके मन में दोहराना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर चीज याद हो जाएगी। और आपकी जो यह बीमारी होती है, जो अधिकांशता हमें भी थी, सबको होती है यह बीमारी कि याद नहीं होता है, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, रात को पढ़ते हैं सुबह में दिमाग से निकल जाता है, नहीं होगी आपके साथ। आप इस चीज को अपनाइए और सफलता के लिए मैं यही कहूंगा कि नींद पूरी तरीके से लीजिए और एक अपना रूटीन सेटअप कीजिए। जितनी अच्छी आपकी रूटीन होगी, पढ़ाई के लिए आप जितना ज्यादा समय देंगे और अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी, उतनी ही सफलता की गुंजाइश आपकी बढ़ जाएगी। छतगन, एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले प्रतियोगी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता के लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा जरूर लें। क्वेश्चन बैंक से क्या फायदा होता है कि आजकल का जमाना देखिए रेडीमेड संस्कृति का जमाना है, बर्गर पिज्जा चाउमीन का जमाना, आजकल का फास्ट फूड, फास्ट म्यूजिक, फास्ट मूवी लोगों को पसंद आती है, आजकल फास्ट बाइक का जमाना है, फास्ट ट्रेन का जमाना है, फास्ट एरोप्लेन का जमाना है, लोग तेज गति से भाग रहे हैं, जिंदगी बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि क्वेश्चन का जो सेटर होते हैं वो भी उसी तरह के प्रश्न करते हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया कि जीएस का क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया, हिस्ट्री का दिया गया, पॉलिटी का दिया गया, इकोनॉमिक्स का दिया गया, विशेषज्ञों को कि आपको क्वेश्चन सेट करना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पुराना क्वेश्चन बैंक को मंगवा लेते हैं, उसी में से हिस्ट्री को टिक कर देते हैं, पॉलिटी को टिक कर देते हैं, इकोनॉमिक्स को टिक कर देते हैं, ज्योग्राफी को टिक कर देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टिक कर देते हैं, जीके को टिक कर देते हैं, है ना। तो खाली करंट अफेयर्स को वो थोड़ा सा रूप में देते हैं। अब आप बताइए कि जो क्वेश्चन बैंक से जिन्होंने क्वेश्चन को 10 पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक से उन्होंने क्वेश्चन टिक कर दिए और आपने उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक को रट लिया, याद कर लिया, क्वेश्चन बैंक के साथ तैयारी कर ली, तो आपको सोचिए कितना फायदा होगा, आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे और यह आपकी सफलता का रास्ता तय करने में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना चाहिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो या यूडीसी की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसलिए क्वेश्चन बैंक को कभी भी नजरअंदाज न करें, इससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न और क्वेश्चन कैसा आता है।
याद रखिए प्रतियोगी विद्यार्थियों, जिस दिन आपने यह जान लिया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस दिन आधा विजेता प्रतियोगिता परीक्षाओं के बन जाएंगे और यह स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। एग्जामिनर के माइंडसेट को पकाना सीखिए कि क्या वो पूछ रहा है, किस दिशा में पूछ रहा है, किस तरह के प्रश्न हर साल बार बार पूछे जाते हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बार बार पूछता है, यदि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, यदि आप देख रहे हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनियम से या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, यदि आप देख रहे हैं कि जीएस में गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो आप क्यों ना उन्हीं सब चीजों पर ज्यादा फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन आप उन सब चीजों पर यदि फोकस करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा और आप स्मार्ट ब्रेन के द्वारा सफलता हासिल कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पढ़ें, यह जरूरी नहीं कि आप किताबों की किताब बन जाएं। आप स्मार्ट ब्रेन के साथ पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपको कॉम्पिटिशन निकालने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए, स्मार्ट ब्रेन का यूज कीजिए और स्मार्ट ब्रेन के द्वारा यूज करके ही आप सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जितनी भी बातें आपको प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों बताया कि किस तरीके से आप तैयारी करें और किस तरीके से क्वेश्चन बैंक आपके तैयारी में आपके सफलता में एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको भी आपको अपने साथ में रखना है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के पुस्तकों का अध्ययन आपके लिए लाभकारी होगा। हम लोग तो आपको क्लासेस में जो नोट्स लिखाएंगे वो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि हम लोग 10-12 किताबों से एनसीईआरटी से मिला करके पूरे जिस प्रकार से समुद्र मंथन करके देवताओं ने अमृत निकाला था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 12-15 किताबों से सबसे मिला के एनसीईआरटी से मिला करके जो नोट्स आपको देंगे वो गागर में सागर होगा, वो संजीवनी बूटी होगा। लेकिन साथ ही साथ यदि आप भी चाहते कि नहीं सर हम लोग घर पर भी मेहनत करना चाहते हैं, हम लोग घर में भी अभी से थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मेरा यही आपसे कहना होगा, यही विनम्र अनुरोध होगा कि एक ही पुस्तक को आधार बना लें। मेरा कहना होगा कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 पुस्तक को एक बार। कई लोग 10-10 राइटर की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में 10-10 राइटर का पुस्तक पढ़ रहा है और एक क्वेश्चन भी उससे पूछा जाए तो नहीं बता सकता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसलिए पहले प्रतियोगी विद्यार्थियों हमेशा ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, हमेशा एक मूल मंत्र को स्वीकार करें कि मैं एक पुस्तक को 10 बार पढ़ूंगा, न कि 10 पुस्तक को एक बार। आप यदि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ते हैं, उस पर कमांड कर लेते हैं, तो फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप याद रखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षाओं को निकालने वाले सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही पढ़ते थे, वो भी एक पुस्तक को 10 बार पढ़ करके, एक पुस्तक पर पूरा कमांड करके। हम लोग जब देखते थे आईएएस टॉपर्स लोगों को और उनकी पुस्तकों को, तो पूरा लंगा हुआ रहता था, ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है किताब पूरा, लाल पेन से, हरा पेन से, पेंसिल से, इससे। मैंने पूछा रही इतना काहे रंग दिए हैं, बोला नहीं हम लोग पढ़ते वक्त पूरा अंडरलाइन कर लेते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको नोट डाउन करते जाते हैं कि हाँ इस पेज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि एनसीईआरटी पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, माहौल और वातावरण का असर बहुत ज्यादा पड़ता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। आप जिस माहौल में रहते हैं वो बहुत असर करता है। आप देखते होंगे कि जब सिनेमा में आप कोई दृश्य देखते हैं कि सनी देओल जो है वह मार रहा है पूरा विलेन लोग को, तो आपके अंदर में भी जोश आ जाता है कि आपको भी लगता है कि अरे बाप, 2.5 किलो का हाथ है, किसी पर पड़ता है तो उठता नहीं है, उड़ जाता है। आपके अंदर में भी जोश आ जाता है कि अभी हमको भी अगर ये दे दिया जाए तो हम भी जोश में आ जाएंगे। जब आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं हमारे झारखंड के आन बान और शान को, कि जब वो क्रिकेट में 54 छक्के मारते हैं तो आपको भी लगता है कि काश अभी मुझे भी बल्ला दे दिया जाए तो मैं भी जाकर के 54 छक्के मारना शुरू कर दूंगा। अब जब टीवी में किसी आध्यात्मिक महापुरुष को, महान संत को देखते हैं प्रवचन देते हुए, वो कहते हैं दुनिया नश्वर है, उधो का लेना माधो का देना, क्या मतलब है दुनिया में, तो उस समय आपको लगता है कि सब कुछ तो नश्वर है, सब कुछ खत्म होने वाला है। उस समय आपके अंदर त्याग की भावना आती है, उस समय आपके अंदर में लगता है कि जीवन ये जो हम लोगों का, हम लोग सबके साथ जो इस तरह का जो है बात करते हैं, ये करते हैं, एक खुली किताब की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। उस समय आपकी विचारधारा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। तो जिस प्रकार से आपकी सोच हमेशा बदलती है, उसी प्रकार से वातावरण का असर, इन्वायरमेंट का असर आपके जीवन पर पड़ता है। प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस कमरे में तैयारी करते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वहां पूरा माहौल पढ़ाई का होना चाहिए और किसी भी तरह का माहौल वहां पर देखने को नहीं मिलना चाहिए। कई लोग क्रिकेटर का फोटो लगा देते हैं, कई लोग एक्टर एक्ट्रेस का फोटो लगा देते हैं, कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। याद रखें प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक्टर एक्ट्रेस आपके आदर्श नहीं हो सकते हैं, आपके आदर्श होंगे आपकी पढ़ाई, आपका करियर। हम लोग जब दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा
कि जो भैया लोग तैयारी करते थे, सीनियर भैया आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन लोग के रूम जब हम लोग गए तो वहां पर देखा कि पूरा रूम में सेंचुरी बोर्ड लगा हुआ है, और सेंचुरी बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, भौतिकी के महत्वपूर्ण सूत्र, रसायन शास्त्र से जुड़े प्रमुख उपबंध, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रेडिशनल जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, और पूरा रूम उसी से भरा हुआ है, मैथ्स के फार्मूला। इस तरीके से हम लोग ने पूछा भैया से कि भैया ये आप रूम में पूरा आपने क्यों ऐसा चारों तरफ से स्केच पेन से लिख करके पूरे रूम में इस तरह का भर दिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपके लिए भी ये सफलता का मापदंड तय करेगा, क्योंकि जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो व्यक्ति आज मुंबई में पुलिस कमिश्नर हैं, और वो उनका पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है टॉपर रैंक उनका आया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग रूम को इसलिए ऐसा माहौल देते हैं कि जब भी हम लोग सो करके उठे तो पढ़ाई पर ध्यान जाए, जब भी हमारा कोई दोस्त आए तो वह पढ़ाई की बातों को देखे और उससे पूछना शुरू कर दे, जब भी हम आंख खोलें तो हमको पढ़ाई की चीजें ही नजर आए, उससे हमें एहसास होगा कि हमारे घर वालों ने जो हमें भेजा है दिल्ली पढ़ने के लिए या बाहर भेजा है कहीं पर भी, आप भी गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, बड़े शहरों की ओर जाते हैं, आपके भी गार्जियंस आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत उम्मीद के साथ आपको भेजते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जा रहा है पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी पूर्वक जो है तैयारी करेगा और बड़ा अधिकारी बनेगा, उनके कितने सपने होते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जब हम लोग देखते हैं इसको तो हमें अपने गार्जियन याद आ जाते हैं कि हमारे गार्जियन ने कितनी मेहनत करके, कितना खून पसीना एक करके, कितना कठिन परिश्रम करके, रातों की नींद हराम करके, आधा पेट खा करके हम लोगों को पढ़ने के लिए भेजा है, और हम यदि अपने ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाते हैं तो यह उनके साथ छल होगा, उनके साथ गद्दारी होगी, उनके साथ जो है एक तरीके से कुठाराघात होगा। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखिए कि अपने रूम को एक माहौल दीजिए, और आप भी अपने रूम में बड़े बड़े जो है कागजों में या बड़े बड़े आप जो है रंगीन कागज में अपना स्केच पेन से इतिहास के विषय, भूगोल के महत्वपूर्ण विषय, साइंस के, ट्रेडिशनल जीके के, इकोनॉमिक्स के, अन्य विषयों के, उसको लगा करके रखें, इसका माहौल का असर आप पर बहुत ज्यादा होगा और आपकी सोच में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन भी सफलता का मायना तय करता है। ग्रुप में हमेशा कोशिश करें कि तेज लोगों को अपने साथ रखें, हमेशा आपसे जो ज्यादा जानते हैं उनको आप अपने साथ में ग्रुप में बनाएं, तो क्या होगा, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप वहां पर उनसे बहुत कुछ जान सकेंगे। आपका यदि मैथ्स कमजोर है, आपके ग्रुप में किसी का मैथ्स अच्छा है तो आपका मैथ्स मजबूत कर देगा, आपका जीएस अच्छा है आप उसका जीएस मजबूत कर दीजिए, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो आपका इंग्लिश मजबूत कर देगा, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो आपका रीजनिंग मजबूत कर देगा। तो ग्रुप डिस्कशन से मैंने देखा है कि कई लोग ग्रुप डिस्कशन के द्वारा सफलता के सर्वोच्च मापदंड तक पहुंचे हैं, इसलिए ग्रुप डिस्कशन भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, इस चीज को भी छात्रगण ध्यान दें। साथ ही साथ प्रत्येक संडे को टेस्ट देने की का हमेशा ये रखें, टेस्ट आप दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां अपने आप को पाते हैं, आपकी तैयारी कहां तक है, कौन सा पोजीशन आपका कमजोर है, कौन सा पोजीशन आपका मजबूत है। यदि आपका कोई पोजीशन कमजोर है तो अगले टेस्ट में जब जाइए तो उस पोजीशन को मजबूत करके आइए। जिस प्रकार प्रतियोगिता परीक्षा देकर के आते हैं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं आपको तुरंत आभास हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वेदर आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट। क्यों? वहां पर जब आपको पता चल जाता है कि यह पोजीशन मेरा कमजोर था, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाया, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगले बार जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं को देने जाएं तो उस विषय को जो आपका कमजोर पक्ष था जिसके कारण आप असफल हो गए थे, उस विषय को मजबूत करके आपको जाना है। उस विषय को मजबूत आपने यदि नहीं किया तो फिर आप जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान में रखिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें, सिक्स टू ट्वेल्व यदि आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए सफलता का एक बहुत ही मापदंड तय करता है। एनसीईआरटी की पुस्तकें कैसे पढ़ें, जिस भी पेज को आप पढ़ रहे हैं पहले उस पेज को पढ़ लें, उस पेज में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं उसके लिए आप एक कॉपी रखें और
नोट्स तैयार कर लें, अंडरलाइन करें, पहले तो किताब में अंडरलाइन करें, फिर एक नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने का क्या तरीका होता है कि दो तरह का कलम रखें, एक ब्लू या ब्लैक, एक रेड या ग्रीन, और जो जो महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके उसको रेड पेन से लिख दें और ब्लू पेन से अपना नोट्स तैयार करें। प्रत्येक पेज में अगर महत्वपूर्ण चीजें जो भी मिलती, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो आपको प्रथम पेज में मिल गया कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया और आपने तुरंत लिख दिया अपने नोट्स कॉपी में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई, आपने तुरंत अगला लिख दिया क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई, क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे, आपने तुरंत लिख लिया क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे, क्रांति के कमांडर इन चीफ सैन्य प्रमुख या सेनापति जनरल बख्त खान थे, आपने तुरंत लिख दिया क्रांति के सैन्य प्रमुख कमांडर इन चीफ जनरल बख्त खान थे। तो इससे क्या होगा कि आपका उस टॉपिक पर कमांड होता चला जाएगा, आप पढ़ भी रहे हैं नोट डाउन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं नोट डाउन भी कर रहे हैं, ऐसा करने से आपको याद भी जल्दी होगा और आपको आनंद भी आएगा, ये तरीका सही होता है। छतगन एनसीईआरटी की पुस्तकें 6 to 12 चाहे विज्ञान की हो चाहे इकोनॉमिक्स की हो, हाँ इकोनॉमिक्स में आप ये चीज करें कि अप टू डेट पुस्तकों का अध्ययन करें जो कि चूंकि डेटा चेंज होते रहते हैं, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, कभी मूंगफली के उत्पादन में कोई दूसरा राज्य अग्रणी हो जाता है, कभी आप देखिएगा कपास के उत्पादन में कभी गुजरात आगे है तो कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, डेटा बदलते रहते हैं, प्रति व्यक्ति आय चेंज होते रहती है, तो ये सब डेटा जो बदलते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको करंट अपडेट रहना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, लेकिन बाकी चीजों के लिए आप इकोनॉमिक्स की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी की पुस्तकें एनसीईआरटी की बहुत अच्छी हैं, विज्ञान की पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस संविधान की पुस्तकें भी एनसीईआरटी की बहुत अच्छी पुस्तकें मानी जाती हैं, तो इन पुस्तकों का आप यदि अध्ययन करते हैं तो आप सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये स्ट्रेटेजी बनाएं, ये प्लानिंग करें तो आप निश्चित तौर पर अपने एसएससी और रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा आपने जो भी सपने देखे हैं जेपीएससी यूपीएससी सीटेट जेटेट बैंकिंग हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप सफलता के सर्वोच्च मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इस चीज को प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान देना होगा और आपको मनन करना होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि पूरा जीएस जो जनरल स्टडीज जिसे एक महासागर कहा गया है, जिसे हिमालय पर्वतमाला कहा गया है, उसकी विभिन्न चोटियां कौन कौन सी है। जीएस को यदि महासागर कहते हैं तो उस महासागर में आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है, उन नदियों का क्या महत्व है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।